तो आज हम हायर परचेज अकाउंट के अंतर्गत डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिपोजिशंस ऑफ गुड्स बाय वेंडर के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके मैं पहले भी वीडियोस आपको बना चुका हूँ, मैं पार्ट 8 बना रहा हूँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्लीज़, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमनाथ परचेज 7 ट्रक्स ऑन हायर परचेज ऑन July 1, 2007. द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज ₹50,000. ही वॉज टू पे 20% ऑफ द कैश प्राइस, कैश परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम December 31, 2007 विद इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम के हिसाब से था। ऑन रमेश फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन June 30, 2008, इट वॉज एग्रीड दैट रमेश वुड रिटर्न 3 ट्रक्स टू द वेंडर एंड द रिमेनिंग पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक्स लेस 25%. शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एनालिटिकल टीम लाएंगे। 7 ट्रक, एक ट्रक की कॉस्ट 50,000 है, तो 7 ट्रक की कॉस्ट हमारी हो जाएगी, एक ट्रक की कॉस्ट हमारी 50,000 है, तो 7 ट्रक्स की कॉस्ट हमारी हो जाएगी 350,000, यानी कैश प्राइस हमारा आ गया 350,000 रुपीज़। तो 350,000, 70,000 हमने डिलीवरी पेमेंट किया, 20% हमारा डिलीवरी पेमेंट आ गया, राइट। इसके बाद हमने इस 70,000 को डिडक्ट किया 280,000, 280,000 की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई, 280,000 की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट हमारी 56,000 की बनी, 56,000 की एक इंस्टॉलमेंट, और उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 28,000 का, 7,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट बनता है, 63,000। ठीक है, इस इंस्टॉलमेंट को हमने डिडक्ट किया, 224,000 आया, 224,000 इंटू 5 इंटू 6 बाय 100, 5 इंटू 5 बाय 100 इंटू 6 बाय 12, तो हमारा यहाँ पर आएगा 5,600, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से मना कर दिया परचेजर ने। ठीक है, यानी डिलीवरी पेमेंट किया और एक इंस्टॉलमेंट पे करी, राइट। अब हम लोग डेप लगाएंगे, तब एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट ये हुआ कि 3 ट्रक को वापस लेगा, 3 ट्रक रिटर्न टू द वेंडर एंड द रिमेनिंग पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। ठीक है, तो 4 ट्रक जो कि परचेजर के पास है, 3 ट्रक जो वो वापस लेके जा रहा है, तो उन पर हम डेप लगाएंगे, तो ये 40,000 इस पर डेप लगेगा, 160,000, और इस पर 30,000 डेप लगेगा, तो 120,000, राइट। रेट ऑफ डेप हमारा गिवन है क्वेश्चन में आपका 20% पर एनम, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम के हिसाब से, राइट। अब 3 ट्रक पे कितना पेमेंट किया, 3 ट्रक पे हमने वेंडर को पेमेंट किया है 70,000 और 56,000, 3 ट्रक पे पेमेंट किया है 70,000 प्लस 56,000, कुल मिला के 1,26,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, इनको 3/7 से मल्टीप्लाई किया, आया 25% लेस करके इसको डिडक्ट कर दिया गया 13,500 रुपीस। ठीक है, ये हमने इस पर एडजस्ट किया, वेंडर 40,500 में ले गया, जबकि हमारी हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी थी 1,20,000 रुपीस, राइट। 1,20,000 की चीज़ को 40,500 में ले गया, तो 79,500 का हमें लॉस हो गया, परचेजर को लॉस हुआ 79,500 का। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से शो करेंगे, देखिए सबसे पहले एसेट्स हमने परचेज करी 3,50,000, इंटरेस्ट लगाया, फिर हमने डिलीवरी पेमेंट किया 70,000 का टू कैश करके, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाया हमने 7,000 का, इंस्टॉलमेंट पे करी 63,000 की, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, फिर इंटरेस्ट लगाया हमने
5600 का, और इस बार वो पेमेंट नहीं किया। वो उस चीज़ को कितने वापस लेगा? तीन ट्रक की वैल्यू उसने वेंडर ने लगाई अपने पास 40,500 रुपीस, एंड देन बैलेंस बचा आपका 1,89,100 रुपीस, राइट? 3,50,000, डिप्रिशिएशन 70,000, हायर वेंडर आ जाएगा हमारा, कितने वापस ले गया 40,500 में। नुकसान हुआ परचेज़र को 79,500 का, तो 79,500 का लॉस हमने यहाँ लिख दिया, और चार ट्रक की वैल्यू है उसके पास 1,60,000, तो 1,60,000 का बैलेंस हमने यहाँ लिख लिया, राइट? 1,60,000, ठीक है। ये हमने पार्शियल रिपोजिशन का टॉपिक सीखा हमने, कि सेवन ट्रक में से तीन ट्रक वापस ले गया जिसका वैल्यूएशन अपने तरीके से वेंडर ने किया, और उसके बाद बाकी चार ट्रक को परचेजर के पास बने रहने दिया, राइट? होप ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।